स्वच्छता को लेकर के जहां सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है हर महीने में, यह वहीं अगर हम पालीगंज प्रखंड की हम बात करें तो हम अभी पालीगंज प्रखंड में एक पंचायत में हैं और एक पंचायत के स्वच्छता कर्मी हैं, जो कि सफाई कर्मी इनको कह सकते हैं, इस पंचायत के हैं और हमारे साथ हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, नहीं मांगे, हम इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की, क्या क्या हंगामा आप लोग काहे कर रहे हैं? हमने मांग रहे हैं कि माने हमने के कम से कम माने जो महीना जो हेल्थ माने पूरा होवे के चाहिए। आज 1500 रुपया पर हमने जाई से खटे। हाँ अच्छा, उधर 30 गो थे, 28 गो, हर वार्ड में दो सफाई कर्मी थे। अभी सरकार ने बोला है कि अब एक एक लोग काम करेंगे और एक वार्ड में दो लोग रहेंगे तभी जाकर अच्छा से काम हो पाएगा, नहीं तो अगर एक आदमी रहेंगे तो काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम ये चचा को बोले, हम इस पंचायत का पर्यवेक्षक हैं, इन लोगों को काम कैसे करवाना है हम ही को बताना रहता है, तो हम चचा से बोले इन लोगों को समस्याएं क्या आ रही है, क्या मतलब दिक्कतें हैं कि जो कि मुखिया जी के पास ये लोग आना पड़ रहा है बार बार? समस्या है कि एक आदमी से काम नहीं हो पाएगा और ये लोग काम करना भी नहीं चाह रहे हैं कि हम अकेले कैसे कैसे कहाँ कहाँ करेंगे काम। सरकार का जो स्वच्छ रोजगार कैसे होगा, ये मतलब गांव स्वच्छ कैसे होगा? पहले दो लोगों को बहाली कर दिया गया और अब एक आदमी को कहा जा रहा है कि एक ही आदमी को पेमेंट होगा, तो एक आदमी से काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो स्वच्छ नहीं होगा। क्या मतलब आप लोगों क्या मांगे हैं बताइए, क्या हम लोग मांगे हैं कि जैसे सरकार से मांग रहे हम लोग मजदूरी, 3000 से हम लोग के पेट नहीं भरेगा, हम लोग के बिना बाल बच्चा के हम पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि हम फर्जी जुटाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे? गरीबी आदमी है सरकार के महाबलीपुर पंचायत से, महाबलीपुर पंचायत से पालीगंज प्रखंड से, पालीगंज प्रखंड है। सफाई करना है। कितना दिन से आप काम कर रही हैं? 5-6 महीना से कर रहे हैं। 6 महीना पैसा मिला है? जी मिला है। क्या क्या दिक्कत है आपकी, बोलिए। सभी लोग पर हल्ला कीजिए, किसके खिलाफ में हैं आप? सरकार के खिलाफ ही हमने लोग हैं। हम लोग हमने क्या अपना पेट ना भरी थे, हमने 14 को आठ है तो हमने 14 में 28 में रहेंगे। एक आदमी से साफ सफाई नहीं होगा, साफ सफाई हम लोग से नहीं होगा। हम लोग 28 आदमी बहाली हुए हैं जिसमें बेरोजगारी के कारण से हम लोग 1500 रुपया पर काम नहीं भरेगा, हमने बाल बच्चा पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया। हम निकले अपना से नहीं पेट भर रहा ना, या तो 14 को करेगा और नहीं एक आदमी से सफाई नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे। 28 करेंगे तो आधा आधा पैसा बांटना पड़ेगा, 1500 पकड़ना पड़ेगा ना, तो 1500 वाले के महंगाई में क्या कर सकते हैं? मतलब आप लोग को पैसा सरकार कम दे रही है उसी के लिए, ₹3000 में बहाली हुए हैं आप, ₹3000 में हर जगह मतलब बहाली होता है तो बढ़ता है, हम लोग क्या और घट रहा है? हमने कितना किस परिस्थिति में हम लोग द्वारा ये आपको सूचना दिया गया सरकार के वीडियो से? हम लोग तो ब्लॉक से मिला मुखिया जी को, मुखिया जी हम लोग को बोल रहे हैं। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, अब सरकार तो कम कर दी, आप लोग क्या करने वाले? मुखिया जी हैं, इनका कहना यही है कि हम तो बहाली कर लिए हैं 28 गो को, तो 28 को ना हम रखेंगे तो वो किनको बोलेंगे कि हाँ तुम हट जाओ? अगर मान लीजिए हमको कहते हैं तो हमको भी दिल में दुख होगा, इसलिए इन्होंने अपना राय दिए कि आप लोग 14 गो में आप लोग 2500 बांटिएगा और स्वस्थ गांव समाज को रखिए। नहीं तो हम लोग के इतना पैसा नहीं चाहिए, हम लोग के महीना चाहिए पूरा, हम लोग के इतना में पेट नहीं भर रहा है तो हम लोग कैसे काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे? तो आप लोग ये लोग का डायरेक्ट कहना है कि सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो पैसा दे रही है उसको बढ़ा कर दे ताकि हम लोग अपना घर परिवार चला सके और हमारा वार्ड में दो आदमी के दे, इसलिए हम सरकार बढ़ा दीजिएगा। कौन